सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आज सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे मल्टीबैगर मिड कैप स्टॉक के बारे में जो कि स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए इनके बिजनेस मॉडल है। इन तीनों स्टॉक में आज के दिन कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ चुका है। इन तीनों स्टॉक में से कोई भी स्टॉक अगर आप लोग के पास है किसी भी लेवल पर, या फिर आप फ्रेश बाय करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ऑलरेडी अगर आप लोग के पास है किसी भी लेवल पर और आप एवरेज करने के बारे में सोच रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखना। ये वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो दोस्तों, एक एक करके हम सारे अपडेट को डिटेल में कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 यानी कि हमारे इंडियन के स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आपने देखा होगा कल के दिन हमारे इंडेक्स में लगभग पूरे बाजार में अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी लगभग 1% के आसपास आपको करेक्शन दिखाते हुए देखने को मिला। इसके पीछे का दो रीज़न है। तो क्या दो रीज़न में से एक रीज़न ऐसा है जो FIs के वजह से हमें अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको थर्सडे के दिन मैंने इस चीज़ को कवर किया था, यानी कि 18 अगस्त थर्सडे के दिन मैंने आपको बताया था कि जो FIs का डेटा है वो फर्स्ट टाइम अगस्त के बाद हमें सिर्फ बाइंग और बाइंग ही देखने को मिला। लेकिन फर्स्ट टाइम थर्सडे के दिन 18 अगस्त हमें एक अच्छे खासा सेलिंग देखने को मिला, वो भी FIs की तरफ से, जो कि 1700 करोड़ के, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो 1700 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग देखने को मिला। तो क्या जो ये सेलिंग है FIs ने कंटिन्यू रखा? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बात करोगे कल के दिन के डेटा की, आप देख पाएंगे FIs ने दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 18 अगस्त यानी कि थर्सडे को ही सिर्फ 1700 करोड़ का सेलिंग किया। लेकिन अगर बात करें दोबारा से, वो उनके कमबैक ही देखने को हमें मिला, जो कि 1110 करोड़ के आसपास उन्होंने नेट बाइंग किया। अगर DIs की बात करें तो 1630 करोड़ के आसपास उन्होंने नेट सेलिंग किया, जो कि आपसे नाउ चलता रहता है। कभी FIs बाइंग करेंगे तो कभी DIs बाइंग करेंगे, तो DIs सेलिंग करेंगे तो FIs बाइंग करेंगे, ये उनके बीच में कॉम्पिटिशन चलता रहता है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। तो जैसे मैंने आपको बताया दो रीज़न है दोस्तों, आप ऐसा बोल सकते हो। तो दो रीज़न में से पहला रीज़न है दोस्तों एक प्रॉफिट बुकिंग, जो कि आप बोल सकते हो अच्छी खासी रैली हमारे बाजार में आपको देखने को मिला एक मंथ में दोस्तों 7.5%। और ये भूलना मत कल के दिन 1% करेक्शन होने के बाद भी, नहीं तो ओवरऑल अगर आप रिटर्न देखोगे इंडेक्स में बात करो 8-9% के आसपास, तो आपको पता है इतना रैली दिखा चुका है, लगभग 16-17 हज़ार के भी नीचे था, अब दोस्तों 18 हज़ार को भी वो टच कर चुका है। तो पहला रीज़न तो ये होगा। और आपको पता है ये रैली आपको इसलिए देखने को मिला क्योंकि एक मंथ से आप बोल सकते हो कि फर्स्ट, आप बोल सकते हो कि 25 अगस्त या फिर जुलाई, या फिर बोल सकते हो कि 1 अगस्त से, यानी कि अगस्त मंथ से हमें एक अच्छे वास्ते पॉजिटिविटी देखने को मिले पूरे हमारे ग्लोबली मार्केट में। अगर बात करो कि हमारे सिर्फ US के बाजार के, तो US के बाजार आपने देखा होगा जो हमारे उनके जो इन्फ्लेशन का डेटा था वो बहुत डिक्रीज होते हुए देखने को मिला। इस वजह से पूरे जो US के मार्केट है उसमें एक अच्छे खासे रैली देखने को मिला। जब US के मार्केट में अच्छे खासे रैली होता है तो पूरे ग्लोबली मार्केट में हमें एक अच्छे खासे पॉजिटिविटी, एक अच्छे खासे रैली देखने को मिलता है, जिसमें इंडियन मार्केट भी आ जाता है। ये तो दोस्तों पहला, मतलब एक छोटी सी पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारे इंडियन मार्केट भी, आपने देखा होगा इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है, वो भी हमें बहुत शानदार देखने को मिला। ये तो हो गया दोस्तों पहला रीज़न। अगर बात करें दूसरा रीज़न की, दूसरा रीज़न है दोस्तों, आप देख पाएंगे एक साल की ग्राफ जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल बाइंग ग्राफ। इस चीज़ को स्कीप मत करना दोस्तों, मतलब 7-8 मिनट को भी आप अगर आप स्कीप करके देखोगे तो 6-7 साल कैसे बाजार में आप टिक पाओगे? तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जितना ये चीज़ें रिपीट करते जाओगे इतने स्टॉक मार्केट में आप लंबे पारी ज़रूर खेल पाओगे। तो आप देख पाएंगे, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तीन बार इससे पहले कोशिश कर चुके थे, फिर नीचे गया, फिर अप्स एंड डाउन, फिर बहुत बार कोशिश करते, ये टेक्निकल वाइज ग्राफ होता है। तो मैं इतने कहना चाहूँगा आप देख पा रहे होंगे, तो इस बार भी उन्होंने कोशिश की 18,000 के बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, जो कि मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। इस लेवल को ब्रेक अगर कर दिया तो दोस्तों बहुत एक लंबी रैली आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर इंडेक्स में रैली आएगा तो नो डाउट जो अच्छे स्टॉक है जिन्होंने रिजल्ट भी अच्छे दिखाए, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें भी आपको टॉप बनाते हुए जरूर देखने को मिलेगा। आपको पता है एक टेक्निकल बाइज जो ग्राफ होता है उसको अगर ब्रेक नहीं कर पाते, बहुत बार ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, इस लेवल को ब्रेक करने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ इंडियन मार्केट में तो पूरी पॉजिटिविटी है ही, साथ साथ हमारे ग्लोबली मार्केट से, खास करके US के बाजार से हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए, यानी कि उसके जो इंडेक्स है या फिर उनके जो बाजार है उसमें हमें पॉजिटिविटी देखना चाहिए, तभी जो ये रैली है आपको इजीली ब्रेक करते हुए देखने को आपको जरूर मिल सकता है। लेकिन एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा, ये तो दो रीज़न हो चुके हैं, लेकिन एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा। आप देख पाओगे जब भी करेक्शन होता है कमबैक, लेकिन जो करेक्शन है दोस्तों बहुत लंबे टाइम से करेक्शन है, लेकिन जो कमबैक है आप जुलाई मंथ से आप देख पाओगे, ये रहा जुलाई मंथ। तो दोस्तों एक मंथ के अंदर स्टॉक, मतलब जो इंडेक्स है, बहुत शानदार तरीके से भाग चुका है। तो यही मैं चीज़ें बोलते रहता हूँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होगा आप एक साल होल्ड करोगे, एक साल मतलब अक्टूबर में जिन्होंने किसी भी स्टॉक में निवेश किया उनके मतलब पोर्टफोलियो में सिर्फ रेड और रेड ही दिख रहा था, स्टॉक नीचे और नीचे जा रहा था, उसके बाद दोस्तों आप देख पाएंगे 9 मंथ से जिन्होंने स्टॉक को होल्ड करके बैठे हुए, जिन्होंने अभी तक लॉस बुक नहीं किया, जिन्होंने एग्जिट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक मंथ में सारी चीज़ें रिकवर कर चुके हैं। इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ कि बाजार जो कमबैक की उसकी तेज़ी रहेगा, वो मतलब गिरावट से बहुत फास्ट रहेगा। अगर कोई भी स्टॉक अगर आपको 6 मंथ से सिर्फ गिरावट और गिरावट ही दिखाता है, जब वो कमबैक दिखेगा उसको कमबैक करने में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 5-7 दिन या 10-12 दिन लग सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने निवेश किया किसी भी कंपनी में, अच्छी कंपनी में होल्ड करके बैठे रहे, जब वो कमबैक दिखा गया, इतने सॉलिड तरीके से दिखा गया कि आप सोच भी नहीं पाओगे, आपने जो एक साल होल्ड किया उसके रिवॉर्ड आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब चलते कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर।
सबसे पहले बात करेंगे CDSL की। तो CDSL मैं बहुत बार बता चुका आपको, बिजनेस को समझ में आना चाहिए और बिजनेस दोस्तों डायरेक्टली हो इनके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इनके बिजनेस मॉडल है। तो स्टॉक मार्केट जिस हिसाब से ग्रो करेगा, आप देख पाएंगे स्टॉक मार्केट जिस हिसाब से ग्रो करेगा, जब स्टॉक मार्केट में बाजार में तेजी आएगा तो इसमें भी पार्टिसिपेंट आपको जरूर, आपको पता है जब बाजार में रैली आता है, जब बाजार में रैली आएगा तो बाजार में पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे, जब बाजार में तेजी आएगा तो पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे, तो ऐसे स्टॉक डीमैट अकाउंट ज़्यादा खोले जाएंगे। अगर डीमैट अकाउंट ज़्यादा खोले जाएंगे तो इनके डीपी चार्जेस ज़्यादा आ जाएंगे, डीपी चार्जेस ज़्यादा आएंगे तो नो डाउट CDSL को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उनके रेवेन्यू आएंगे तो प्रॉफिट आएंगे, तो अल्टीमेटली शेयर प्राइस ऊपर ही जाएगा। जो चीज़ें आप लोग अगर 5 साल के ग्राफ देखोगे इससे भी आप उम्मीद लगा सकते हो। पहले एक ज़रा से भी कंपनी अच्छी नहीं करती, जब से लिस्टिंग हुआ 2017 से नीचे और नीचे, जब कोविड के बाद 4 करोड़ डीमेट अकाउंट एक साथ खोले गए, मतलब 4 करोड़ लोग एक साथ पार्टिसिपेंट कहे गए, 4 करोड़ लोग एक साथ डीमेट अकाउंट खोले गए, यानी कि डीपी चार्जेस बहुत ज़्यादा मिलते थे इनको, इनके बिजनेस बहुत शानदार तरीके से ग्रो होते हमें देखने को मिला, जो कि आप इसके शेयर प्राइस से भी उम्मीद लगा सकते हो। तो 5 साल वाले के पास अभी भी 260%, जो कि नॉट बैड। तो इतना मैं कहना चाहूँगा कंपनी के बिजनेस आपको पता होना चाहिए, तो नो डाउट कंपनी के बिजनेस स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए। तो मेरे हिसाब से, मेरी स्टडी के हिसाब से स्टॉक मार्केट आगे जाके 3 साल 5 साल 10 साल जितना लंबा देखोगे, हमारे इंडियन मार्केट बहुत अच्छे करने वाले हैं। अभी तो एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कि हमारे इंडियन मार्केट है, तो नो डाउट आगे जाके बहुत एक लार्ज कैप कंपनी, मतलब लार्ज कैप इंडेक्स बनने वाले हैं। तो नो डाउट ऐसे कंपनी को जो कि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई, उनके बिजनेस मॉडल उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो प्लीज CDSL आपके पास है तो नो डाउट बिंदास कंटिन्यू कीजिए। जिनको फ्रेज बाइंग नहीं करना है वो अच्छे लेवल पे देखने को मिले, आप चाहो तो इसके बारे में इस लेवल पे फ्रेज बाय करके चल सकते हो, लेकिन एक मिड कैप स्टॉक है और आपको थोड़ा सा लंबे टाइम देना चाहिए। सो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा BSE लिमिटेड। तो BSE लिमिटेड में सेम चीजें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। एक साल की बात करें तो एक साल वाले को 76% नॉट बैड। तो जिन्होंने सिर्फ रैली को चेज करने की कोशिश की, चलती हुई ट्रेन को पकड़ने का जिसे बोलते हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने तेजी देख के स्टॉक को बाय किया, तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। टॉप से देखोगे तो 40% आपको अभी भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, और इसमें भी सेम चीज़ें जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जब से लिस्टिंग हुए दोस्तों आप कैलकुलेट करने 70% क्रैश हो चुके थे। तो जिन्होंने बिजनेस को समझा कि आगे जाके स्टॉक मार्केट ग्रो हो सकता है, उन्होंने अच्छा खासा अभी भी उनके प्रॉफिट डबल हो चुका है, और यहाँ से देखोगे तो उनके प्रॉफिट तो बहुत ही मल्टीकाई गुना हो चुका है। तो मैं इतने कहता हूँ, अगर आपको ये ट्रस्ट आपके ऊपर है कि हाँ मुझे ये ट्रस्ट है कि स्टॉक मार्केट हमारे इंडियन मार्केट आगे जाके 3 साल 5 साल में बहुत और भी ग्रो होने वाला है, तो आप ऐसे स्टॉक में इसी लेवल पर फ्रेज बाय करके आप जस्ट तो टाइम दोगे तो आपका कैपिटल बहुत ही मल्टीबगर तरीके से आपको ग्रो होते हुए देखने को आपको जरूर मिलेगा। कमाल के स्टॉक है, मोनोपोली एक्सचेंज है तो आपके पास है, नो डाउट लॉस में बेचने का भी सवाल नहीं है। आप चाहो तो टॉप बाय के इस लेवल एवरेज और फेस बाइंग करके भी चल सकते हो, बस आपको एक चीज आना देना आना चाहिए, वो है टाइम। टाइम दोगे तो आपको रिवॉर्ड 100% मिलेगा, वो भी ऐसे मोनोपोली स्टॉक में। देन आखिरी स्टॉक है हमारा एंजल ऑल लिमिटेड। तो बहुत बार आपको बता चुका हूं, अगर आप किसी डीमेट अकाउंट वाले स्टॉक में जाना चाहते हो, कंपनी में जाना चाहते हो, जितने भी लिस्टिंग है तो उनके अगर जाना चाहते हो कोई बेस्ट है तो वो दोस्तों मेरे हिसाब से पहला एंजल ऑल लिमिटेड होना चाहिए। अगर कोई दूसरे के साथ जाना चाहते हो वो CRND के साथ भी जा सकते हो, लेकिन फर्स्ट चॉइस आपका एंजल ऑल लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी कंपनी, एक मिड कैप टाइप का स्टॉक है। एक साल की बात करें तो एक साल बाद भी अभी भी प्रॉफिट है 10% के आसपास, जो कि नॉट बैड। सेम चीज़ जिन्होंने सिर्फ तेजी देख के 2000 रुपये बाई किया, जो कि मैं बहुत पहले मना कर चुका हूँ, इस लेवल पे आपको बाय नहीं करना है। तो जिन्होंने बाय भी कर चुके बिंदास होल्ड करें, इस लेवल पे एवरेज ना करें। और दोस्तों 5-5 साल वाले को पूरे 5 साल तो नहीं, 1.5 साल, तो 1.5 साल में 370%, यानी कि खुद सोच सकते हो कि स्टॉक एक मिड कैप स्टॉक थे, जिन्होंने यहाँ पे 10-20 क्वांटिटी बाय करके छोड़ दिया 270 प्राइस पे। तो किसी ने 300 रुपये बेच दिया, पैसे डबल हो, किसी ने 600 रुपये, तो बने रहना होता है दोस्तों। जब तक कंपनी के बिजनेस अच्छे कर रहे हैं आपको रिटर्न मिलता जाएगा, तो आपके पास है, आप जरूर कंटिन्यू। जिन्होंने अब तक फ्रेज बाइंग नहीं किया, मैं 1220 के लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप चाहो तो इसी लेवल पे फ्रेज बाइंग करके चल सकते हो, लेकिन जो क्वांटिटी है वो आपको कम होना चाहिए। अगर 10 क्वांटिटी लेना चाहते हो तो 5 अभी ले, और 5 इस लेवल को अगर ब्रेक आ जाता है, बाजार में थोड़ा सा करेक्शन आता है तो इस लेवल को ब्रेक करते, तब चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, तो आपका एवरेज बाइंग थोड़ा सा सही हो जाएगा। या फिर 5 क्वांटिटी अभी ले लें, और बाकी 5 अगर इस लेवल को ब्रेक भी नहीं करते या तो बाउंस बैक करता है, तो Q2 के नंबर देख लेना, उसके बाद ही आप ऐड करोगे तो सबसे बेस्ट है। लेकिन तीनों के तीनों बहुत शानदार कंपनी, मोनोपोली स्टॉक है, तो लॉन्ग टाइम कर लेना, लॉन्ग टाइम में दोस्तों आपको रिटर्न मिलेगा मिलेगा, लॉस के बारे में तो आपको सोचना भी नहीं है। सोचते वीडियो देने को डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इस वीडियो में कोई बना चाहिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।